5 दिसंबर 1994 की शाम डीएम गोपाल जी कृष्णैया अपने ड्राइवर के साथ निकले। डीएम की कार की स्टीयरिंग दीपक के हाथ में थी। गाड़ी 60 की रफ्तार में एनएच 28 पर आगे बढ़ रही थी। मुजफ्फरपुर के खबड़ा गांव के पास अचानक 5000 की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। तब तक सुरक्षा कर्मियों की टीम भीड़ में फंस चुकी थी। दीपक ने बैक गियर लगाया और फिर गाड़ी को तेजी से पीछे की तरफ भगाने लगा। वह बार बार साहब को रोक रहा था, लेकिन अचानक जी कृष्णैया गुस्सा हो गए और गाड़ी को रोकने के लिए कहा। दीपक का पैर जैसे ही ब्रेक पर पड़ा, भीड़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। घटना के चश्मदीद दीपक को हमेशा मलाल रहा। साहब की बात नहीं मानी होती तो आज वह जिंदा होते। दीपक कुमार गोपालगंज में डीएम की सरकारी गाड़ी के ड्राइवर रहे। जी कृष्णैया की हत्या के बाद भी वह अब तक लगभग 3 दर्जन आईएएस अफसरों की गाड़ी चला चुके हैं। डीएम जी कृष्णैया की हत्या में अदालत में 25 गवाह पेश हुए, जिसमें 11 पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। उनमें से एक नाम दीपक कुमार का भी है, जो घटना का चश्मदीद है। उनका काम डीएम को बाहरी दौरों में लेकर आने जाने का था। दीपक कुमार ने बताया कि सामान्य दौरे की तरह 5 दिसंबर 1994 को भी डीएम जी कृष्णैया को लेकर गोपालगंज से निकला था। साहब के साथ गाड़ी में फोटोग्राफर पीएल टांगड़ी भी थे। गाड़ी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, तब डीएम की गाड़ी की तरफ 5000 की भीड़ बढ़ने लगी तो मैंने जी कृष्णैया से कहा, साहेब बाहर मत जाओ, बाहर मत निकलिए। कई बार चिल्लाने के बाद भी डीएम नहीं माने। जी कृष्णैया गुस्सा हो गए, चीख कर कहा, दीपक गाड़ी रोको। मैंने कहा, साहब कार मत रुकिए, बॉडीगार्ड की प्रतीक्षा करिए। इतना कहते ही डीएम के बॉडीगार्ड टीएम हेम्ब्रम को बाहर घसीटा लिया गया और डीएम जी कृष्णैया भीड़ से बातचीत करने और बॉडीगार्ड को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ पर तो खून सवार था। 5 दिसंबर 1994 की जिस भयावह घटना को याद करते हुए दीपक ने बताया कि पलक झपकते ही भीड़ ने जी कृष्णैया की कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया। मुझे एहसास हो गया था कि वे लोग अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मुजफ्फरपुर का खबड़ा गांव, ये वही जगह है जहां पूर्व डीएम की हत्या कर दी गई थी। ड्राइवर दीपक ने बताया कि भीड़ ने डीएम के साथ उस पर भी हमला किया। इतना मारा कि मुझे सुनाई देना बंद हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने साहब की चिंता में कार की तरफ भागा। साहब के सिर में गोलियां मारी गई थी। ड्राइवर दीपक का कहना है कि वह साहब की बात मानकर गलती की। अगर बात नहीं मानी होती, उनके कहने के बाद भी गाड़ी को नहीं रोका होता तो शायद साहब आज जिंदा होते। वही बिहार के रिटायर्ड डीजीपी अभयानंद ने बताया कि घटना के बाद जी कृष्णैया का पूरा परिवार हैदराबाद चला गया था। जी कृष्णैया की पत्नी और बेटियां घटना से इतनी दुखी थी कि सारा सामान छोड़कर वह शव को लेकर बिहार से निकल गई। पूरा परिवार रोते हुए बिहार से वापस गया था। इस घटना के बाद डेड बॉडी के साथ गया परिवार फिर बिहार नहीं लौटा। वह बाद में सामान भी लेने नहीं आए थे। घटना के बाद गाड़ी के पास से चाबियों का गुच्छा, खून से सनी उनकी कलाई घड़ी, टूटा हुआ चश्मा और एक टिफिन बॉक्स मिला था। यह टिफिन बॉक्स मार्मिक यादें दिलाता है।